गुड मॉर्निंग यूपी ईटीवी भारत के मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं कीर्ति तोमर को। देश प्रदेश और दुनिया की कुछ बड़ी खबरें लेकर हम एक बार फिर हाजिर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खेल की खबरों से। आईपीएल 2022 में दिल्ली के धुरंधरों की धमाकेदार जीत, पंजाब को 9 विकेट से हराया। इंडियन प्रीमियर लीग 2022 में दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच कड़ा मुकाबला हुआ। मैच में पहले बल्लेबाजी करने उतरी पंजाब किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 115 रनों का टारगेट दिया था। दिल्ली के धुरंधरों ने 10 ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया और पंजाब को 9 विकेट से मात दे दी। दिल्ली के पृथ्वी शॉ ने 41 रन और डेविड वार्नर ने 60 रनों की नाबाद पारी खेलते हुए अपनी टीम को शानदार जीत दिलाई। खेल जगत से एक और चौंकाने वाली खबर है। कीरोन पोलार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से क्यों लिया संन्यास? वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर और सीमित ओवरों के कप्तान कीरोन पोलार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। वेस्ट इंडीज के सुपरस्टार कीरोन पोलार्ड ने वेस्ट इंडीज के लिए 15 साल में 224 मैच खेले हैं। फिलहाल पोलार्ड भारत में इंडियन प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस को लीड कर रहे हैं। बॉक्सर विजेंदर सिंह को चुनौती देने वाले आमिर खान के साथ लूटपाट। बॉक्सर आमिर खान के साथ लूटपाट की गई है। वह लंदन में रोड क्रॉस कर रहे थे, तभी कुछ लुटेरों ने आकर उनकी कीमती घड़ी छीन ली। आमिर खान की वाइफ भी उनके साथ मौजूद थी। आपको बता दें, आमिर खान ने भारत के बॉक्सर विजेंदर सिंह को बॉक्सिंग में चुनौती दी थी। चलिए अब बात कर लेते हैं मनोरंजन जगत की। KGF 2 का फैंस पर चढ़ा ऐसा क्रेज, थिएटर में लोगों ने स्क्रीन पर फेंके चांदी के सिक्के। साउथ सुपरस्टार यश की ब्लॉकबस्टर फिल्म KGF 2 बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। फैंस ने इस मूवी को खूब पसंद किया है। बॉलीवुड डीवा रवीना टंडन ने KGF 2 में अहम रोल प्ले किया है। फिल्म में रवीना की एक्टिंग को फैंस ने काफी सराहा है। एक्ट्रेस ने इंस्टा पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें लोग थिएटर में KGF 2 की स्क्रीनिंग के दौरान चांदी के सिक्के फेंक रहे हैं। बॉलीवुड में और क्या कुछ खास है, चलिए बताते हैं। पैसों के लिए नहीं झुका पुष्पा, अल्लू अर्जुन ने क्यों ठुकराया करोड़ों का एड। कई बार सितारे कुछ ऐसा कर गुजरते हैं जिससे वे रियल लाइफ के साथ साथ रियल लाइफ हीरो भी बन जाते हैं। पुष्पा द राइज फिल्म के लीड एक्टर अर्जुन अल्लू ने इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। उन्होंने तंबाकू के एड के लिए बड़ी रकम का ऑफर भी ठुकरा दिया और कहा कि ऐसा करने पर समाज में गलत संदेश जाएगा। चलिए कुछ बातें सत्ता के गलियारों से भी हो जाएं। काशी पहुंचे मॉरिशस के प्रधानमंत्री। मॉरिशस के पीएम प्रविंद जगन्नाथ 3 दिवसीय भारत के दौरे पर हैं। बुधवार को काशी में उनका भव्य स्वागत हुआ। वाराणसी एयरपोर्ट और होटल के बाहर भारत की संस्कृति के अनुरूप मौजूद लोगों और छात्रों ने उनका भव्य स्वागत किया। यूपी से एक और खबर है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा बुधवार शाम को प्रयागराज पहुंचे। भाजपा नेताओं और पदाधिकारियों ने सर्किट हाउस पर उनका स्वागत किया। मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर के हालात में पहले के मुकाबले काफी सुधार हुआ है। अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हो गई है। प्रयागराज में मनोज सिन्हा निजी समारोह में शामिल होने आए थे। अब देश की राजधानी दिल्ली का रुख कर लेते हैं। जहांगीरपुरी में चले बुलडोजर पर जारी है सियासी घमासान। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा के बाद MCD की ओर से अवैध निर्माण ध्वस्त करने के लिए बुलडोजर चलाया गया। इस पर सियासी घमासान छिड़ गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बुलडोजर चलाने की कार्रवाई को रोक दिया गया। हालांकि इससे पहले बुलडोजर ने कई निर्माण ध्वस्त कर डाले। सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर आज सुनवाई होनी है। चलिए अब बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का भारत दौरा आज। ब्रिटिश के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन गुरुवार से 2 दिवसीय भारत दौरे पर रहेंगे। जॉनसन 21 अप्रैल को गुजरात के अहमदाबाद से यात्रा की शुरुआत करेंगे और प्रमुख कारोबारी समूह के नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे। इसके बाद वह दिल्ली में भारतीय नेताओं से मुलाकात करेंगे। अब चलते चलते आज का इंस्पायरिंग क्वेट। हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देगी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय ETV भारत पर। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। आपका दिन शुभ हो।